وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا और असाचो कई पेशवा बना देते यहादून बे अमरना लम्मा सबरू जो साडे हुक्म नाल रहनुमाई कर दे सन जब के ओ लोग सबर कर दे रहे वकानू बे आयात ना और ओलो साडिया आयतों का यकीन रख दे सन वाजिब उल एहतराम सामईन मुख्तरम अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुस्साकलैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते जिस मुकाम जी शान नो मैं इस वक्त तिलावत कीता ए मुकाम आलिशान अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम दी अजीमुशान और अजीमुल बरकत किताब दा 21वां पारा छपारे दा रकू 16वां सूरत दा नाम सूराए सजदा सूरत दा रकू 3रा रोजे अव्वल तो लेके जदों तो अल्लाह ने शैतान नो ओदी ख्वाहिश के मुताबक
रोटी देती है, कि अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम नो तुसा अपना नायब या अपना खलीफा बनाया, ते मैनू अपने दरबार चो तुसा रुसवा करके निकाल दिता, मैनू भी इजाजत दियो कि ओ आदम और उन्हां दी औलाद ओ जन्नत जान दी कोशिश करन ते मैं उन्हां नूं जन्नत तो हटाउण दी कोशिश करा, ओ तेरी फरमा बरदारी करन ते मैं उन्हां नूं तेरी ना फरमानी ते अमादा करा, को मैनू भी छुट्टी दियो, कोई इख्तियार माड़ा मोटा दियो, ताकि पता लगे कि ये अपना ओ मकाम किवें दोबारा हासिल करनगे। उस दिन तो लैके नेकी और बदी, हक और बातिल आपस के अंदर दस्तो गरेबान है, बातिल और कुफर दियां ताकत जो शैतान दे आलाकार ने, उन्हां दी ये ख्वाहिश और कोशिश रही है कि अहले ईमान नो इन्हां दे मजहब, इन्हां दी सोच और इन्हां दे दीन तो हटा दिता जाए। उदे वास्ते जेड़ा भी रस्ता इख्तियार करना पै, ओ मारन कुटन दा रस्ता, परेशान करन दा रस्ता, दुख दर्द और तकलीफां देन दा अंदाजे ते तां लालच दे के, तमा दे के उन्हां नूं इस्लाम तो बरगश्ता कीता जाए, ते तां ताकत दे बलबोते ते और ताकत दे अपने अंदाज इख्तियार करके उन्हां नूं हक तो पिछे हटाया जाए। यानी जो भी रस्ता, जो भी तरीका इख्तियार करना पै, वो इख्तियार कीता जाए और इन्हां नूं इस्लाम तो हटाया जाए। मैं कुर्बान जावां ते लख वार मैं सदके जावां, उन्हां गुलामां ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम तो या आप तो पहले जेड़े आप दे अदवार तो पहले जेड़े लोग गुजरे ने, उन्होंने हक और बातिल दी पहचान कीती, ते जदों हक नूं इख्तियार कर लिया ते फिर झक्खड़ भी झुले, हनेरियां झुलियां, दुख भी आए, करो बेकार भी होए, वतनों बेवतन भी कीते गए, उन्हां दियां अखां दे सामने मावां दे लाल ज़बा कीते गए, आफरी ने उन्हां ते और उन्हां नूं सलामे अकीदत के जिन्हां ने हर दुख नूं झोली च पाया, लेकिन आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दा साथ नहीं छड्डिया, प्यारे पैगंबर दे दामन अतहर उहदे नाल वाबस्ता रहने। मेरे भाईओ, अगर तारीख इस्लाम दी फरक गर्दानी कीती जाए, तारीख इस्लाम दे औराक नूं खंगालिया जाए, तो एक दो चार नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारा नहीं,
लखां दी तादाद अंदर दास्तान अजमो इस्तकलाल दे पैकर अफराद ते खानदान नजर आउणगे। मेरा दिल करदा है कि मैं अज दे इस अजीम शान खुतबे जुमा दे अंदर उन बहुत सारी तादाद दे विचों एक खानदान दा तज़किरा करा जिन्ना नो आले यासर कहा जांदा है, जिन्ना नो प्यारे पैगंबर अली सलाम ने ज्यौंदियां जागदियां दुनिया ते जन्नत दियां गरंटियां ते जन्नत दियां जमानतां अता फरमा दितियां। आले यासर दा तज़किरा जो प्यारे पैगंबर अली सलातो व सलाम आप दा कलमा पढ़िया, कलमा पढ़न दी पादाश अंदर कैसिया कैसिया आजमैशा ते परेशानियां दा उन्हां नूं सामना करना पिया। एक बात जिहन नशीन फरमा लो कि बातिल दी हर मौके ते हर हालत दे अंदर एक ख्वाहिश भी रही, कोशिश भी रही कि इन्हां नूं इस्लाम तो बरगश्ता कर दिता जाए, इन्हां नूं दोबारा कुफर दी तरफे ले आंदा जाए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अल्लाह जुल जलाल वली कराम दा कुरान इस बात दा ऐलान फरमा रहा और शहादत दे रहा। कुरान दे अल्फाज नो अपने दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते जरा मुनक्किश करन दी कोशिश करिया करो और कुरान नो अपने दिलो दिमाग दी बहार बनान दी कोशिश करिया करो। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पारा दूसरा ते सूरत दा नाम है सूरा बकरा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वला यजालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दुकुम अन दीनकुम इन इस्तताऊ वमन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फाउलाइक हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा वाउलाइक अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। ए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम वला यजालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दुकुम अन दीनकुम इन इस्तताऊ। ए मेरे महबूब ए जेड़े काफर ते तुहाडे दुश्मन ने ए हमेशा तुहाडे नाल जंगा करदे रहेंगे, हमेशा तुहाडा मुकाबला करदे रहेंगे हत्ता यरुद्दुकुम अन दीनकुम इथों तक के तुहाडे दीन तो तुहानू हटाण दी कोशिश करनगे, अपनी ताकत ते हर हरबा इस्तेमाल करनगे। ये जरूरी नहीं कि वो दीन तो इस्लाम तो हटाण वास्ते हरबे इस्तेमाल करन ते तुहाडे मनन वाले जेड़े ने वो उन्हां दे दाव विच आ जाण ते हरबियां च आ जाण। ये ते सोने हो अपनी अपनी किस्मत दी गल है, नसीबे दी बात है। तारीख पढ़ो जाके पैगंबर अली सलाम दे सहाबा नो हाय तपदियां रेता ते लिटा दिता गया पर ओना दी जबान तो हक हक दा तराना निकलदा रहा। ओना नो अल्लाह दी कसम है बलदियां कोयलियां ते लिटाया गया लेकिन जबान तो आहद आहद दे तराने ही पढ़दे गया ने। हाँ ना 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 ओ ओना दा अंग अंग कटे आ गया लेकिन प्यारे नबी अली सलातो व सलाम दा दामन अकदसो अतहर छड़ना गवारा ना कीता। मैनू याद आया नबी अली सलातो व सलाम दा एक बड़ा प्यारा सहाबी है आप दा गुल
इस्लाम दुश्मन की कैद में आ गया ने ते नाम इन्हों का जनाबे हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दुश्मन की कैद में आए ने ते पेश कीता गया इन्हों सरबरा है ममलिकत दे सामने ये कह लगा कि गल ए के तू ए दावा करना के मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा कह लगे जी बिल्कुल मेरा ये दावा है कि वो अल्लाह दे आखरी नबी ने रब दे रसूल ने कह लगा मैं भी अल्लाह दा नबी हाँ तौबा अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह ओ ए भी गवाही दे कि मैं अल्लाह दा नबी हाँ ते हजरत अभी फरमांदे ने जरा उची बोल तेरी गल मीनू नहीं सुनी जान रही कह लगा मैं अल्लाह दा नबी हाँ कह लगे मीनू नहीं सुनिया जाता कह लगा ये दस मुहम्मद अल्लाह दे नबी ने कह लगे बिल्कुल अल्लाह दे नबी ने कह लगा मैं भी नबी हाँ कह लगे मीनू नहीं सुनता सियाने आते ने जेड़े राह नहीं जाना जेड़े पिंड नहीं जाना उदा राह पुछन दी लोड़ उदा राह पुछन दी की जरूरत है और सानू एहो जी गल एक बंदा कहन लगा आंदा जी जहन्नम दे दरवाजे किन्ने ने जन्नत दे दरवाजे किन्ने उन्हें जी सात दरवाजे ने उन्हें जहन्नम दे दरवाजे उन्हें असा जेड़े पासे जाना नहीं उहदे दरवाजे गिनन दी सानू लोड़ ही की है जन्नत दे सानू पता जन्नत दे सात दरवाजे ने किन्ने ने अठ तुसी भी सत्तां दे पक्के हो गए जन्नत दे अठ दरवाजे ने उन्हें हा जन्नत दे अठ दरवाजे ने ते जहन्नम दे उन्हें हा जेड़े पिंड नहीं जाना सानू राह पुछन दी भी लोड़ है नहीं मैं कुर्बान जावा वह आंदा मुहम्मद अल्लाह दे नबी जी बिल्कुल अल्लाह दे नबी ने ते मैं भी अल्लाह दा नबी हाँ कहन लगे मैं सुनदा नहीं गुस्सा चढ़िया कहन लगा एदे जिस्म दा एक एक अंग अंग कटिया जाए एदे जिस्म दे जिस्म दा कीमा कीमा बनाया जा रहा हाथां दियां उंगलां दे पोरे कटे जा रहे ने बाजू कटे जा रहे ने नाल नाल कट दे जाओ ते नाल एदे कोलो मेरी नबुव्वत दा इकरार करवांदे जाओ और कामों की वालियो इर्द गिर तो आने वाले ओ परवाने ओ नबी दे गुलाम ने अंग अंग कटवाना गवारा कर लिया नबी दा साथ छड़ना गवारा कीता साथ छड़ना गवारा नहीं कीता इस वास्ते रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जी इन्हां दी कोशिश ते ख्वाहिश ए वे वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत अपनी ताकत दे मुताबिक कोशिश कर देने के तुहानू यानी तुहाडे मनन वाले आनू दीन तो पीछे हटा दिता जाए वमई यार तदिद मिनकुम अन दीन ही फाया मुत ते जेड़ा बंदा पहली गल ते एवे के कोई इस्लाम दा दीन छाड़ के हक ते सच दा मजहब छाड़ के वापस हुंदा ही कोई नहीं ते जे कोई बंदा मुर्तद हो जाए ये किस्मत मुकद्दर दी गल जे कोई बंदा इस्लाम छाड़ के चला जाए जे कोई बंदा दीन छाड़ के चला जाए ते उन्हें पहली गल ते ये वे के अपने ही नुकसान करना क्यों कुरान ने दूसरे मकाम ते ऐलान फरमाया जदो मेरे पाक पैगंबर अली सलातो वस्सलाम आपने दुनिया तो रुखसत फरमाया ना ते जनाबे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अनहु ने मुख्तसर जा खुतबा इरशाद फरमाया ते नाल इनायतां दी तिलावत फरमाई वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल
वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रुसुल अफा इम्माता औ कुतिलन कलबतुम अला आगाबिकुम वमन यनकलिब अला अकिबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैया वसयज़िल्लाहु शाकिरीन। प्यारे सिद्दीक ने इन्ना लफ़्ज़ां दी तिलावत फरमाए वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मुहम्मद अल्लाह दे रसूल कद खलत मिन कबले रसूल इन्ना तो पहला भी दुनिया ते अल्लाह दे नबी रसूल आउंदे रहे ते दुनिया तो तशरीफ लैगा कद खलत मिन कबले रसूल अफा इम्माता अफा इम्माता क्या अल्लाह दे पाक नबी अपनी तभी मौत दुनिया तो तशरीफ ले जान अफा इम्माता औ कुतिला या आपनू शहीद कर दिता जाए इनका लब तुम अला आकाबिकुम क्या तुसी अपनिया एडियां ते फिर जाओगे यानी क्या तुसी अपना मजहब छड़ जाओगे अपना दीन इस्लाम छड़ जाओगे ते जेड़ा अपने मजहब दीन तो फिर जाए फलैयज़ुर्रल्लाह उन्हें रब दा कुछ नहीं बिगाड़ना उन्हें अपना ही सत्यानाश करना उन्हें अपनी दुनिया बर्बाद ते वीरान करनी है। हुण एक बंदा मुसलमान होया ते मुसलमान होके ओ नेकियां ते नेकियां करदा नमाज़ां ते नमाज़ां पढ़दा रोज़ियां ते रोज़े रखी जांदा हर साल हज भी करदा उमरे ते उमरे अदा करदा मस्जिदां बनांदा मदरसे चलांदा ए रिफाए आमा दे काम करदा हस्पताल बनाई जांदा फ्री डिस्पेंसरियां चलांदा पिया एम्बुलेंस चलांदा माड़ियां ते गरीबां दियां खिदमतां करदा पिया लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिता किस्मत ने यावरी नहीं कीते ते ए जालिम किसे लालच विच आके मुर्तद हो गया। तुसी वेंदे नहीं कई ऐसे बदबख्त ने के जेड़े सिर्फ बैरून मुलक अंदर सियासी पनाह लैन वास्ते या किसे बड़े मुलक दी ए जनाब मकामी उत्थे दे लोगां नूं मुतमइन या उत्थों दी नेशनैलिटी वास्ते पाकिस्तान तो जांदे ने ते फार्म फिल करके जांदे ने जी असी मिर्ज़ई आ मिर्ज़ाइयत दे मैं जानना ऐसे लोगों नूं के जेड़े मिर्ज़ाइयत दा फार्म फिल करके पाकिस्तान तो किसे बड़े मुलक दी तरफे जाके सियासी पनाह गज़ीन हो जांदे ने। मैं मन लैना वा पैसा भी बड़ा लभदा मैं मन लैना वा दौलतां दे ढेर भी लभ जाणगे मैं मन लैना वा दुनिया दे ऐशो आराम भी मिल जाएगा और यार इस बदनसीब बनो सब कुछ मिल जाएगा लेकिन जहन्नम दी रुसवाई तो इनो दुनिया दी कोई ताकत बचा नहीं सकेगी। इन्ना कुछ इन्ने नेके नेक आमाल ते इन्ने अल्लाह दी फरमा बरदारी वाले काम करन तो बाद अगर मुर्तद हो जांदा हुण सवाल पैदा हुंदा के ओ मुर्तद होण तो पहला दे जेड़े एदे आमाल ने क्या ओ नमाज़ां ते रोज़े ते हज ते उमरे ते सदके ते खैरातां ते ज़कातां क्या इहनूं को फायदा दे सकणगीआं। कुरान की कह रहे अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फाया मुत वाहो वा काफिरों ए मर गया कुफर दी हालत दे अंदर फा ओला एका हाबेतत आमालोहम फिद
दुनिया वल आखिरा। इस जालिम दे सारे अमाल ही गारत हो गया, सारे अमाल दे तबाह बर्बाद हो गया। वा ओला एक असहाबुन नार हम फीहा खालिदू। जहन्नम दे अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे, यानी कुफर दी ताकत एवे के मुसलमाना नु दीन तो बरगश्ता कीता जाए ते पीछे हटाया जाए। कुरान दा एक दूसरा मकाम ये सपारा पंजवा ते सूरत दा नाम है सूरा निसा। अल्लाह फरमांदे ने वद लो तक फरून कमा कफरो फतकुनो न सवार फला तत्तखिजु मिनहुम औलिया। ए मेरे महबूब पैगंबर जी वद्दु लो तक फरून कमा कफरो ओना दी तमन्ना एवे के जिमें दे ओ काफर ने इन्हां नू भी उंज दा काफर बना दिता जाए ताकि ये सारे दे सारे बराबरी हो जाए। फरमाया फला तत्तखिज़ु मिनहुम औलिया, ते अपने मनन वालिया नू कह दियो इंज दे लोगा नू अपना दोस्त बनाना चाहिदा। इंज दे लोगां नू अपना दोस्त ही नहीं बनाना चाहिदा। अल्लाह अल्लाह कोल पंजाबी दी एक मिसाल है, खरबूजे नू वेख के खरबूजा रंग बदल जांदा वटा लैंदा, ते अल्लाह दे आ बागियां कोल इस्लाम दे आ दुश्मना कोल कुरान दे आ दुश्मना कोल हर वेले बहना खलोना होए। मैं मन लैंदा वा बंदा अपने मजहब तो पिछे नहीं हटदा, लेकिन ज़हन दे अंदर शैतान शकूक और शुबहात जरूर पैदा कर देंदा और खतरा पैदा हो जांदा कि किसे वक्त भी इंसान ईमान तो तही दामन हो जाएगा, इस्लाम तो पीछे हट जाएगा और अल्लाह दी ना फरमानी करके ओदे गैज़ो गज़ब दा निशाना बन जाएगा। पता ए लगा के शुरू तो लैके ए इस्लाम दे मनन वालिया नू हर हरबा इस्तेमाल करके इन्हां नू दीन इस्लाम तो हटाण दीआं कोशिशां हुंदीआं रहीआं। ते उन्हां दे विचों मैं जिस खानदान दा तज़किरा करना चाहना, आमिना दिलाल इमामुल अंबिया हबीबे खुदा महबूबे किब्रिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम। अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोजे पाक ते करोड़ा रहमतां दियां बारिशां नाजल फरमान, ते साडे वल्लों करोड़ों दरूदो सलाम दे मीं बरसान। प्यारे पैगंबर अली सलाम दे सहाबी ने हजरत यासर रजी अल्लाह तआला हजरत यासर मक्के दे रहन वाले नहीं सन, जिस तरह बादशाह बैसे है ने के जेड़े मक्के दे मकामी बशिंदे नहीं सन, दूरों चल के आए सन। मिसाल दे तौर ते हजरत हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह तआला अनहो यमन दे रहन वाले सन, यमन चो मक्के आए हुजूर दा कलमा पढ़िया, मर्जी रब दी हालात बदले, नबी अली सलाम और सहाबा मक्के हिजरत की थी ते मदीना चले चले गए। हजरत हातिब बिन अबी बलता भी मक्का छड़ के मदीना तैयबा चले गए और ओ उन्हां दा खत जदों नबी अली सलाम ने मक्के ते हमले दा इरादा फरमाया और ओ खत लिखना ते आगाह करना ओ इसे चीज दी असल बुनियाद सी कि चूंकि मक्के ते इन्हां दा कोई बड़ा लंबा चौड़ा खानदान नहीं सी, कोई अजीज जेड़े है सन ए मक्के वालिया ते एहसान करके कि मैं तुहानू इतला दित्ती है वक्त तो पहला कि मुहम्मद अली सलाम तुहाडे ते हमला कर वाले ने ताकि मेरा उन्हां ते एहसान होए ते बदले दे अंदर ओ साडे अजीजो अकारब जेड़े ने उन्हां दा ख्याल रखण। इसे तरह हजरत यासर ए भी मक्के दे रहन वाले नहीं सन, असल यमन दे बासी सन। मैं अज एक
तारीख दी किताब देख रहा सा, यमन चो ये तीन भरा मक्के आए, यासर, मालिक और हारिस। ए तीन भरा मक्के आए कादे ले, इन्हां दा एक चौथा भरा गुम हो गया। चौथा भरा गुम होया ते मां जम्मे वीर नू लभदे मक्के आ गए ने। यमन चो निकल के हुण ते खून सफेद हो गए ने, हुण ते मां जम्मिया भरावां नू एक दूसरे की कदर नहीं, हुण ते ओ साडी सोच बन गई। ओ जी भरा ते शरीक हुंदे ने, शरीकां तों बचना ही चाहिए, पर कोई दौर से भरावां नाल भरा मुहब्बत दी इंतहा कर दे, परा भरावां तो जाना कुर्बान कर देंदे, पाई पाइयां दियां बावां बन जांदे, पाई पाइयां दा मान ते गुरूर होया कर दे। हजरत यासर अपने दो भाइयां दे हमरा यमन चो निकले ते मक्का पाक दे अंदर अपने पाई नू अपने वीर नू लभदे तलाश करदे आए। ए दो भरा हारस ते मालिक जेड़े ने एते वापस यमन चले गए, ते हजरत यासर जेड़े ने ए मक्के आए ते फिर मक्के दे ही हो के रह गए। मक्के आए ते फिर मक्के दे ही हो के रह गए। मक्के दा निजाम उदों भी मालूम हुंदा एहो ही सी, हुण भी एहो ही है। जेड़े लोग सऊदी अरब च मुलाजमता करदे ने तुहानू पता है सब तो पहला उथे जाके कफील करना पैंदा। जब तक कोई बंदा कफील ना करे उन्नी देर तक सऊदी अरब च रह नहीं सकता, इला के हज का वीजा होए या उमरे का वीजा होए या विजिट वीजा होए, ते अगर उथे रहना है ते उथे रहन वास्ते कफील की जरूरत है। उदो भी यह सी कि अगर बाहरों कोई बंदा, हुण ते खैर कानून दियां मुशगाफियां कई हो गई ने, पासपोर्ट होन और कागजात होन, उदो ये हालात ते नहीं सन। ये तरीका सी कि जेड़ा बंदा मक्के आके रहना चाहता है वह सब तो पहला कोई कफील करे और ओदी किफालत दे अंदर मक्के रह सकदा, ताकि मक्के दे बाकी लोग जेड़े ने उन्हों को नुकसान ना पहुँचान, कोई तकलीफ ना पहुँचान। हजरत यासर मक्के च आए ते इथों दे ही होके रह गए। अबू हुज़ैफा मखज़ूम कबीले का एक सरदार सी, एदी किफालत मिल गई जनाब यासर नू। अल्लाह अल्लाह किस्मत जदो बंदे ते मेहरबान होन लगे, बंदा बड़ा चंगा सी, अबू हुज़ैफा बड़ा अच्छा आदमी से, ते हजरत यासर नू अपनी किफालत दे अंदर ले लिया, ते हजरत यासर नाल मुहब्बत भी बड़ी कर दे। कई ते अपने मुलाजमान नू इंज समझदे ने कि बस इन्हां नू हाल दे बैल दी तरह हर वेले जोई रखो, ते खान नू चज दी रोटी भी ना दियो ते चज दी तनखा भी ना दियो। ते कई लोग हुंदे ने रहम दिल, भावे वो कुफर दे अंदर भी कई रहम दिल हुंदे ने, अच्छे इंसान अच्छी तबीयत दे मालिक। ए अबू हुज़ैफा मखज़ूमी अच्छी तबीयत दा बंदा सी, ते हजरत यासर नाल इनू मुहब्बत भी बड़ी है, इनू प्यार भी बड़ा। ते इन्नी एदी एक लौंडी सी जिदा नाम है सुमैया, बाद दे अंदर जिन्ना नू इस्लाम दी दौलत मिले। ए सुमैया अबू हुज़ैफा दी लौंडी से, हजरत यासर नाल ताल्लुक इन्ना वध गया, प्यार इन्ना वध गया, मुहब्बत इन्नी ज्यादा हो गई है, इन्ने अपनी लौंडी सुमैया दा निकाह जनाबे हजरत
ते यासर देना कर दिता है। निकाह हो गया, मर्जियां मेरे मौला दिया। शादी दे बाद अल्लाह जुल जलाल ने इस जोड़े नु एक लखते जिगर अता फरमाया जिदा नाम है जनाबे अम्मार रजी अल्लाह ताला अनहो। बाप यासर है, हाँ माँ सुमैया है, ते आप हजरत अम्मार ने जदो बेटा पैदा होया ना ते अबू हुज़ैफ़ा ने इस खुशी दे अंदर अपनी लौंडी सुमैया नु भी आजाद कर दिता है। एक खानदान आजादी दी जिंदगी गुजारदा पिया, मर्जी रब दी अबू हुज़ैफ़ा जल्दी फौत हो जांदा है। इधरों यासर ते सुमैया इन्हां दोनों दा इको ही बेटा है, ते बेटा कल दा मासूम बच्चा आज जरा जवान हो गया। मर्जियां रब दियां ही चल दिया ने, जरा जवानी दी मंजिलां तक पहुंचिया ना, ते इन्हां दिनां दे अंदर ही इंदे कन्नी आवाज पई मुहम्मद मुस्तफा दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने के इस्लाम दे अंदर सब तो पहले जेड़े दाखल होने वाले ने या पहले पहल जेड़े मुसलमान सन उन्हां चो सब तो पहला ते खुद अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी जिन्हां नूं अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत अल्लाह जुल जलाल ने ताज अता फरमाया। आका दे इलाने नबुव्वत दे बाद अबू बकर मुसलसल जियां दा जिक्र कीता हजरत अब्दुल्ला ने के हजरत मुस्तफा दी जात अपने नाल जनाबे अबू बकर नाल हजरत सुहैब जनाबे मिकदाल हजरत बिलाल हजरत अम्मार ते बीबी सुमैया ऐ सात अफराद ने के जेड़े पहला पैर इन्हां नूं इस्लाम दी बुनियाद कह लो इस्लाम दी इन्हां नूं जना पहली सीढ़ी कह लो पहला स्टेप कह लो यानी पहले पैर नबी दे हलका अहबाब दे अंदर आने वाले जनाबे मुस्तफा दे गुलाम हजरत अम्मार ने पहले आचो अल्लाह अल्लाह। हुण जदों अम्मार हुजूर अली सलाम दे कोल आए कन्नी इस्लाम दी दावत ते आवाज पई हजूर दे कोल आए पुछया दसिया जनाब की फरमांदे हो दावत की है पैगाम की है। मेरे आका ने इस्लाम की दावत दीती ते सिद्धी अम्मार दे दिल विच घर घर गई है। अम्मार हजूर दे कोल बैठे ने ते आंदे ने अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़िया ते नबी दी गुलामी विच आ गए ने। हुण घर आए लाडा लाडा मापिया दा पुत्तर सी ते औलाद मापिया दी खिदमत करे इज्जत करे कदर करे उन्होंने कमा के खुआए उन्होंने रोटी कपड़े मकान का इंतजाम करे रात सौन तो पहला उन्होंने पैर दबा के सवे बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन इस तो भी बड़ी सआदत एवे के किसी औलाद की वजह तो अल्लाह मापिया नू जन्नत दा हकदार बना देवे। हजरत यासर ते हजरत सुमैया अपने बेटे दे कोल बैठे ने ते अम्मार फरमांदे ने अम्मी जी अबू जी मैं ते मुस्तफा दा कलमा पढ़ आया वा
ते तुहानू भी चाहिए दामने मुस्तफा नाल वाबस्ता हो जाओ। गल ते सोने ओ सारी मुकद्दरां ते मुक दिए किस्मतां चंगियां सन कुछ पुत्तर दी मुहब्बत भी गालिब आए ते इन्हां दुआं जियां ने जाके मेरी सरकार दा कलमा पढ़ लिया है। मखजूम कबीले दे लोगां नू पता लगा, मैं दसिया ना अबू हुज़ैफ़ा मखजूम कबीले दे सरदार सन। बीबी सुमैया इस मखजूम कबीले दी लौंडी से, अबू हुज़ैफ़ा ने इनू आजाद कर दिता। आप ते फौत हो गया ने, इन्हां दे कबीले दे लोगां नू जदों पता लगा यासर ते सुमैया ते अम्मार ने इन्हां ते मुहम्मद दा कलमा पढ़ लिया। गैज़ो गज़ब ऐसा गुस्से दी हालत दे अंदर ने ते आके जनाबे यासर नू पकड़ लिया, सुमैया नू पकड़ लिया। कहन लगे तुहानू जुर्रत किवें पैदा होई है, साडी इजाजत ते साडे आर्डर तो बगैर तुसा मुहम्मद दा जाके कलमा पढ़ लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां तिन्ना जीआं नू गिरफ्तार कर लिया। सुबह दा वेला हुंदा, लोहे दिया इन लोहे दे लिबास इन्हां नू पहना दिते जांदे ने, तप दिया रेतां ते इन्हां नू लिटा दिता जांदा है। हजरत यासर जरा वडेरी उम्र दे सन, हजरत यासर नू पानी दे अंदर गोते दिते जा रहे ने, सुमैया नू मारिया कुटिया जा रहा, अम्मार नू बल दिया रेतां ते लिटाया जा रहे है। अल्लाह अल्लाह यार, इन्ने दुख सह के इन्निया मुसीबतां ते तकलीफां सह के बंदा जे दीन इस्लाम ते पक्का रहे ईमान ते इन्नू ही आंदे ने। और मैं ते कहा करना वा यार, अज असी ते बड़े ही खुश नसीब हाँ, मुसलमाना दे घर पैदा होए आ, सानू इस्लाम दी कदर की है, मुसलमाना दे घर पैदा होए आ। लो जी मौली साहब ने सज्जे खब्बे कान चजान तकबीर कह दीती है, सारी जिंदगी लंघ चली है, बचपन गुजर गया, जवानियां गुजर गईया ने, बुढ़ापा गुजर गया, सारी उम्र इस बद नसीब नो मस्जिद का दरवाजा लंघना नसीब नहीं होया। आंदा मर जावांगा ते मौलवी जनाजा पढ़ा देवेगा ते जन्नत ते फिर साडा ही है। अब वेख सानू ईमान इस्लाम की कदर की है। और यार इस्लाम दी कदर पुछनी आ, जा तप दियां रेतां ते लेट दे प्यारे अम्मार कोलों पुछ ले। इस्लाम दी कदर पुछनी आ, बल दे अंगारियां ते पै बिलाल कोलों पुछ ले। अगर ईमान ते इस्लाम दी कदर पुछनी आ, जा जा के बीबी सुमैया कोलों पुछ ले। और सोने आ इस्लाम दी कदर पुछनी आ, जा जा के बीबी जनीरा कोलों पुछ ले, जिदिया अखां चो लोहे दियां सलाइयां गरम करके फेरिया गईया ने, लेकिन हक दा दामन ना छड़िया। हजरत यासर नू सतांदे ने पै, हजरत अम्मार नू कुट दे मार दे ने पै, बीबी सुमैया नू परेशान कर दे ने पै। हालात अजे बिल्कुल इब्तदाई ने, बड़ी जमात कोई नहीं, बड़ी तंजीम कोई नहीं, बड़ा मेरे नबी दे नाल लश्कर कोई नहीं, एंज मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलाम एक दिन वादी मक्का चो बाहर निकले ने, दोपहर दोपहर दी गर्मी है ते हजरत यासर नू रेतां ते लिटा के, हाय अल्लाह मेरी तौबा, रेत ते लिटा के इन्हां दे पैरां ते हत्थां दे अंदर इन्हां कड़ियां ते इन्हां पैरां दे अंदर बेड़ियां पाईयां ने, अम्मार नू परेशान कर दे। इंज आका कोलों दी गुजरे ते मेरे महबूब अलैहि सलाम दी निगाह नबुवत उठी। आप फरमांदे ने इस बेरू या आल यासर,
इस वो खानदान कितना अजीम है। आप फरमांदे ने इस बेरुया आल याज़र एक रवायत दे अंदर आउंदा ए आले अम्मार खुश हो जाओ ते नाल अल्लाह दी रजा वास्ते सबर करो। इस बेरुया आल याज़र फा इन्ना मौहिदा कुमुल जन्ना ओ यासर ते यासर दे कार वाले हो यासर ते यासर दी बीवी ते यासर दे आप बेटे अल्लाह दी रजा वास्ते सबर करो। फा इन्ना मौहिदा कुमुल जन्ना अल्लाह ने तुआडे मकान अपने जन्नत विच बना छड़े ने। जिन्हां जन्नत दियां गरंटियां ते जमानतां आमिना दा दुर्रे यतीम दे उन्हां दे जन्नती होण ते शक हो सकदा? मर्जियां रब दियां। हजरत यासर दुख सह सह के ते जामे शहादत ही नोश फरमा जांदे ने। हजरत बीबी सुमैया नो इन्हां बदबख्तां ने पकड़िया। अबू जाल लाइने जमाना सैयदा बीबी सुमैया नू पकड़िया होया अपने जल्लादा नू बुलाया मंगवाया आंदा इंज करो एदियां लत्तां मुखालिफ सिमत ऊंटा ना बन दियो एक लत एक ऊंट ना बन दियो दूसरी दूसरे ऊंट ना बन दियो। लो जी बन दितियां गईयां ने। यार जरा तसव्वर दी नजर नाल वेखो अल्लाह दी कसम ए वाकियात सुनने भी बड़े सौखे ने सुनाने भी बड़े सौखे ने। मैं सुना के दामन झाड़ के टुर जाना तुसा सुन के दामन झाड़ के टुर जाना पर सोने कदी कल्या बह के रात दे सन्नाटिया दे अंदर कल्या बह के सोची ना ए मामूली गल ते नहीं ना इस्लाम साढ़े तक एवें ते नहीं ना पहुंच गया सौखा इस्लाम ते नहीं पहुंचया। एदियां जड़ा दे अंदर मेरे पैगंबर दे गुलामा दा खून नजर आउंदा तां ही ते हक दा पैगाम साढ़े तक पहुंचया। हुण मेरी ते तेरी जिम्मेदारी है ए हक दी दावत ते हक दा पैगाम अपनियां नस्लां तक उहनां नूं अपनियां नस्लां तक ये सिलसिला चलदा रहना। और एक गल अपने ज़हन दे अंदर बिठा लो मैं ना करांगा ते रब नूं मेरी जरूरत नहीं तू ना करेगा ते रब नूं तेरी जरूरत नहीं। और मैं कहा करना मेरे रब नूं नौकरां दी कमी रब नूं नौकरां दी कमी नहीं और मेरे कोलो नहीं ते किसे होर तो काम ले लेगा ओदे कोलो नहीं ते किसे होर तो काम ले लेगा तुहाडे कोलो नहीं ते किसे होर तो काम ले लेगा। और ए ते रब दा शुक्रिया अदा करिया कर अल्लाह तेरा शुक्र है तू सानू अपने नबी दी गुलामी वास्ते पसंद फरमा लिया। सुमैया दे जिस्म दोनों लत्तां मुखालफ सिमत ऊंटा ना बनिया ने। अबू जाल कहन लगा आखरी वारनक दे तौर ते हुण भी मौका है वक्त है दामने मुस्तफा छड़ दे। फरमान लगिया मेरा जिस्म तेरे कब्जे च मेरा दिल अर्श वाले रब दे कब्जे विच मेरी जान ते जा सकती है मैं दामने मुस्तफा नहीं छड़ सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहन लगा इन्हां दोवां ऊंटां नूं मुखालफ सिमत दौड़ा दियो। दौड़ाया गया चलाया गया इस जालिम ने मां जी दे जिस्म विच नेजा मारिया एक हल्की जी चीख निकली ते मां हमेशा वास्ते अपने अल्लाह दे हां पहुंची। आप पहला खून है जेड़ा तारीख इस्लाम दे अंदर इस्लाम दी खातर बहाया गया। मैं ते पहला अर्ज कीता रब जिदे कोलो चाहे काम ले लै है लौंडी सी
आजादियां मिलियां ते फिर अल्लाह ने शहादता नाल माला माल फरमा दिता। मैं ते फिर कहांगा कयामत दियां दीवारां तक जिन्ने भी शहीद आउंगे उन्हां दी शहादत दे सवाब चो सैयदा सुमैया नू रब बराबर दा अजर ते सवाब अता कर दे ही रहेंगे। पहला खून है जेड़ा सैयदा सुमैया दा बहाया गया। और हां हकीकत भी ते एक ही है, एक बीबी मक्के दे अंदर कलमा बोलिया, एक बीबी मक्के दे अंदर कलमा बोलिया। आया सैकड़े मुसीबता नहीं दिल डोलिया, ओए बदन ऊंटा नाल बन गए, बदन ऊंटा नाल बन गए। मैं ना तसव्वर दी नजर ना वेखो ना, मक्के दियां गलियां परियां होनगियां, मकाना दियां छत्तां परियां होनगियां, गलियां बाजार लोग तमाशा वेखन वास्ते इकट्ठे होंगे। ते सैयदा सुमैया किस बहादरी नाल, ते सैयदा सुमैया किस शौक नाल अपने दीन ते पक्कियां होनगियां। अल्लाह दी कसम इन्हें बड़े बड़े मर्दां नू हौसले अता कर दिते ने। एक बीबी मक्के दे अंदर कलमा बोलिया, आया सैकड़े मुसीबता नहीं दिल डोलिया, ओए बदन ऊंटा नाल बन के दो फाड़ हो गए, बदन ऊंटा नाल बन के दो फाड़ हो गया। जेदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, ओ पावे लख गुनागार बेड़ा पार हो गया। जिसनु असर हो गया खलीली रंग दा, जिसनु असर हो गया खलीली रंग दा, ओ गंज बख्श कोलो नहीं खजाने मंगदा। ओते हसबो नल्ला थी, ओते हसबो नल्ला थी, औखियां सौखियां मुश्किल वेलियां दे अंदर वो अपनी जबान तो किसे गैर दे तराने नहीं पढ़दा, किसे गैर कोलो मदद नहीं मंगदा, किसे दुनियावी इंसान कोलो मदद नहीं मंगदा। और जदों दे ते औखा वेला आउंदा ओदी जबान ते तराना हसबे अल्लाह, मिनो मेरा अल्लाह कल्ला ही काफी है, हसबे अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। मैं कुर्बान जावा उस बीबी ने अपना ईमान इन्ना मजबूत रखिया। हजरत यासर भी शहादत पा गया, जनाबे बीबी सुमैया भी जामे शहादत नोश फरमा जांदिया ने। ए छोटा जिहा खानदान, मुख्तसर जिहा खानदान, एक माँ है एक बाप है ते एक बेटा है। अम्मी भी टुर गई, अबू भी दुनिया तो चले गया, हुण बेटा ही बेटा अमार बाकी रह गया। अल्लाह अल्लाह, यार सियाने आंदे ने दुनिया ते ते कोई दरख्त भी कल्ला ना होवे, मां जम्मे वीर परावां दे आसरे बनदे ने, मां जम्मे वीर वीरां दे सहारे बनदे ने। चलो भरा कोई ना होवे, कोई मां जम्मी भैण
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਦੀ ਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮਾਪੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੋ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਅੰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਅੱਬੂ ਵੀ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਮਾਰ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਮੱਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਵੀ ਮੁਹਾਜਰ ਬਣ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿੱਡਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਈਏ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਤਰਫੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ 100% ਜੰਨਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਾਰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗਿਰਾਮੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਾਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅਮਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਯਾਨੀ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਓ ਅਕੀਦਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮਨਸਬ ਤੇ ਮਰਤਬਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵਜਅਲਨਾ ਮਿਨਹੁਮ ਅਇਮਤੈਨ ਯਖਦੂਨਾ ਬਿਅਮਰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਬਰੂ ਵਕਾਨੂ ਬਿਆਯਾਤਨਾ ਯੂਕਿਨੂ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਦੀ ਆਪਸ ਜ਼ਰਾ ਤਲਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਤਲਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਇੰਤਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਕਰ ਲਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਰ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਹੱਡ ਦਰਮੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਕੋਲ ਆਏ
ते आके अम्मार कोलों माजरत कीती ते सुला सफाई कर लई किते मैं उस कैटागरी विच ना आ जावां। ये शाना ते अजमता ते मकाम एवें मुयसर नहीं आउंदे, इहदे वास्ते घर लुटाने पैंदे ने, इहदे वास्ते इम्तिहाना चो गुजरना पैंदा। अल्लाह ओ जिथे तेरे नबी दे यार लेटे ने उन्हां ते रहमत दियां बारिशां नाजल फरमाना और सानू उन्हां दे नक्शे कदम ते चल के जिंदगी बसर करन दी तौफीक नसीब फरमा। صدق الله العلي العظيم।